अखिलेश यादव ने दिया योगी सरकार को चकमा। यूपी पुलिस देखती रही, अखिलेश ने किया पैदल मार्च। सदन से वॉकआउट करके पैदल मार्च कर सरकार को घेरा। यूपी में अखिलेश यादव और योगी के बीच जोरदार राजनीतिक खींचतान चलती है। सदन में एक दूसरे पर निशाना साधने से दोनों नहीं चूकते, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की हर कोशिश को नाकाम करने में योगी हर जतन करने में लगे रहते हैं। लेकिन योगी के लखनऊ से बाहर जाते ही सपा अध्यक्ष ने सरकार को चकमा दे दिया, क्योंकि मानसून सत्र के पहले दिन यानी 19 सितंबर को तो पुलिस ने उन्हें पैदल मार्च कर पार्टी दफ्तर से विधानसभा तक नहीं पहुंचने दिया था, लेकिन सत्र के आखिरी दिन यानी आज शुक्रवार को सदन से वॉकआउट कर अखिलेश सपा विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च करते हुए सड़क पर उतरे तो यूपी पुलिस अवाक रह गई। हुआ यूं कि शुक्रवार को विधानसभा में अखिलेश यादव ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस वृद्धि का मामला उठाने की कोशिश की, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनसे कहा कि पहले प्रश्नकाल हो जाने दें, तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम विधायकों के साथ वॉकआउट करेंगे। इसके बाद सपा के विधायकों ने अखिलेश यादव की अगुवाई में सदन से वॉकआउट कर दिया, फिर पैदल मार्च करते हुए पार्टी कार्यालय की ओर बढ़ गए। इस दौरान साफ दिखा कि पुलिस को ऐसा कुछ भी होने की जरा सी भी आशंका नहीं थी, इसीलिए विधानसभा से सपा कार्यालय तक उन्हें कहीं किसी ने कोई तैयारी नहीं की थी, लिहाजा बिना किसी व्यवधान के सपा विधायकों का पैदल मार्च पूरा हो गया। पुलिस तैयारी करती और सपाइयों को रोकती, अखिलेश ने इसका मौका ही नहीं दिया। अब समाजवादी पार्टी के नेता इस पर खुशी जता रहे हैं। उनका कहना है कि अब तक सपा जब भी विरोध प्रदर्शन का ऐलान करती थी तो पुलिस नेताओं के घर पर पहरा बिठा देती थी। बता दें कि शुक्रवार को मानसून सत्र का पांचवां और आखिरी दिन था। इससे पहले चार दिनों तक समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन में महंगाई, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। शुक्रवार को सुबह सुबह अखिलेश यादव विधानसभा जाने से पहले 12 विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे। उन्होंने वहां राज्यपाल से मुलाकात करके आजम खान पर जाति न होने देने की मांग वाला एक ज्ञापन सौंपा। यही कहा है कि लगातार सरकार आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे लगा रही है और झूठे मुकदमे लगा करके वो जेल में रहे। वो जहाँ बीमार हैं, कोविड में उनके साथ जो इलाज हुआ, लगातार तकलीफ परेशानी में रहे, जेल में रहना पड़ गया उनको। इसलिए हमारा निवेदन था कि सरकार से कहें आदरणीय गवर्नर कि सरकार अन्याय उनके साथ न करे। बता दें कि आज जब लखनऊ में ये सब हो रहा था तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, अयोध्या और बाराबंकी के कुल 5 जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने निकले, जिसका फायदा उठाते हुए अखिलेश यादव ने पैदल मार्च करके सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।